कहते हैं कितना किसान मरा हमको आज तक जानकारी नहीं। नीतीश बाबू कहते हैं कि हमारे मंत्रिमंडल में कितना अपराधी हमको जानकारी नहीं, पत्रकार बता दें। और स्वास्थ्य सचिव जिन पर घोटाले का आरोप है उसी विभाग पर आरोप है, वही विभाग जांच करेंगे। मुद्दे भी हम, मुदाले भी हम, चित भी मेरी पट भी मेरी, बड़ों के बाप कनियों के बाप। ये जांच का मजाक नहीं है, जबकि आरोप उन्हीं पर है। उदय कमावत के ऑर्डर को क्यों पलटा गया, उन्हीं पर है। लगातार कोरोना वायरस के बीच में क्वारंटाइन का सारा पैसा घोटाले हो गए, उन्हीं पर है। 10,000 पंचायत में दिए गए फिर एएनएम के द्वारा निकाल लिया गया, उन्हीं पर है। तो आप किसी हाईकोर्ट के न्यायाधीश से करेंगे ना, ये बड़ा घोटाला है। खस्सी के माय कब तक खैर मनी है, क्या बकरे की अम्मी कब तक खैर मनी है, कब तक बचाएंगे ऐसे लोगों को। 4,831 रुपया 77 का, ये देखिए ये एस्टीमेट है, ये एस्टीमेट है 4,877 रुपया का। इसके पहले कुमावत ने साफ शब्दों में स्पष्ट रूप से लिख दिया था, कमावत उदय सिंह कमावत ने की फाइल पर लिख दिया था कि इस एस्टीमेट के तहत ही कार्य की शुरुआत की जाएगी, जिसमें एक बड़ी कंपनी को देने की जो बात आई थी उसको भी उन्होंने रोका था। जब वर्तमान स्वास्थ्य सचिव आए तो उसके ऑर्डर को निरस्त करते हुए उसने लिखा है, ऑर्डर है, पूरी फाइल है, कि माननीय मुख्यमंत्री के प्रत्याशा में आदेश के अनुसार 5,540 करोड़ का एस्टीमेट बना करके BMSICL द्वारा PMCH पटना 20 सितंबर 2019 को NIT नंबर 32/2019 से टेंडर निकाला गया। प्राकलित राशि 4,831.77 करोड़ रुपया। डेढ़ साल बाद मुख्यमंत्री नीतीश कार का बजट 5,540। सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए दादा प्लीज। मैं दो में लगातार घोटाले, स्वास्थ्य विभाग के घोटाले के बारे में चर्चा करता रहा हूं। आज स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो पूर्व के सचिव थे दयाल उदय कुमावत, उनके आदेश को निरस्त कर वर्तमान स्वास्थ्य सचिव ने किस तरीके से 700-750 रुपया का एस्टीमेट बढ़ा करके PMCH और कोरोना में पूरे ब्लॉक में किस तरीके से कोरोना में पूरे ब्लॉक में घोटाले हुए हैं, ये दो उजागर। और तीसरा है रुपेश। तो पहला तो मैं अपना आपको ये मुख्यमंत्री जी का ये उद्घाटन का है विज्ञापन, 5,540 करोड़ रुपए का विज्ञापन दिया गया है। ये 5,540 करोड़ रुपए का ये विज्ञापन है। और आपको आश्चर्य होगा, लोगों को रुपेश हत्याकांड में पूछताछ के लिए बुलाया गया, पटना के बहुत बड़े बड़े ठेकेदार, बहुत बड़े बड़े लोगों को। किन परिस्थितियों में उन ठेकेदारों को बी सिंह, सी सिंह, डी सिंह, अब कौन है बी सिंह,
उसका भी एक दिन उजागर करेंगे। श्री सिंह किन लोगों का इन्वॉल्व है अभी तक मोटिव नहीं बताया गया कि मारने के पीछे क्या कारण है। इसीलिए हम डिमांड करते हैं कि यह एक सप्ताह के अंदर आप मोटिव को बताएं और जितने लोगों को थाने में लाए गए उनको सामने ला करके आप बताएं कि उनके क्या पूछा गया और उनको क्यों लाया गया और फिर उनको क्यों छोड़ दिया। बस बाबू जी।